बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस की रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम है वेजिटेबल सैंडविच। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल सैंडविचेस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी नोट कर लें। बारीक कटी हुई आपको बंद गोभी चाहिए होगी हाफ कप, गाजर बारीक कटी हुई मैंने ले लिया हाफ कप, हाफ कप कटी हुई आपको चाहिए होगी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई आपको प्याज चाहिए होगी हाफ कप, टमाटर बारीक कटा हुआ आपको चाहिए होगा हाफ कप, हसबे ज़रूरत आपको चाहिए होगी टोमेटो केचप, मायोनीज मैंने ले लिया 5/6 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक ले लें 1/2 टीस्पून, सिराशा सॉस मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, और उसके अलावा आपको ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। मैंने टोटल 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब क्या करेंगे, आपको खाली एक बाउल चाहिए होगा और बाउल के अंदर ऐड कर देंगे हम अपनी सारी वेजिटेबल्स। तमाम वेजिटेबल्स को हम करेंगे आपस में मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और नमक। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून नमक मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम मेयोनीज। तकरीबन मैं इसमें 4 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसमें जाएगा सिराशा सॉस, और तमाम चीज़ों को हम कर देंगे आपस में मिक्स। तो ये देखिए, तमाम चीज़ों को मैंने आपस में कर दिया है मिक्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस के जो साइड वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो ब्राउन पार्ट्स होते हैं, उनको हमने छुरी की मदद से कट कर लेना है। आपने क्या करना है, ब्रेड का स्लाइस लेने हैं, उसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। पूरे स्लाइस के ऊपर हम टमाटो केचप जो है अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। टमाटो केचप लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे वेजिटेबल्स वाली फिलिंग। पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे फिलिंग को, और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का सेकंड स्लाइस। ये देखें इस तरह से। और अब क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको लंबाई वाली शेप में भी कट कर सकते हैं। तो मैं इसे लंबाई वाली शेप में कट करूंगी। तो ये देखिए, हमारे वेजिटेबल सैंडविचेस जो हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।